उपचुनाव के परिणाम के बाद जीत के श्रेय को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बयानबाजी के बीच ग्वालियर चंबल में सिंधिया से 36 का आंकड़ा रखने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने जीत का श्रेय पीएम मोदी सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया, लेकिन उन्होंने सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। पवैया ने कहा, प्रदेश का जो न्यूट्रल मतदाता था, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसने पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले पर मोहर लगाई। चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान के सवाल पर पवैया कन्नी काटते नजर आए। शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता और उनकी सरकार प्रदेश में स्थिर बनानी है, ये जो मनोभाव 2800 सीटों के मतदाताओं का बना हुआ था, तो उनके प्रति लोगों का जो गहरा विश्वास था वो वोटों के रूप में बदला, और जो न्यूट्रल मतदाता था जिसका राजनीति से वास्ता नहीं है, उसके भीतर एक बात मन मानस में और तैर रही थी, वो थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बड़े फैसले किए गए, जो नया इतिहास लिखा गया, यहाँ भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों का प्रभाव भी मतदाता के मन पर दिखाई दे। पवैया जी जिस तरह से